बागेश्वर की जो इन दिनों पंजाब के दौरे पर है, पठानकोट में उनका दरबार सजा है जो कि कल तक चलने वाला है। पठानकोट जाने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री अलग अंदाज में गोल्डन टेम्पल पहुंचे और धर्मांतरण गैंग को आड़े हाथों लिया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सचखंड श्री हर मंदिर साहिब पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री पीली पगड़ी पहने नजर आए। पंजाब में ये उनका दूसरा दौरा है। हिंदुत्व पर बेबाक राय रखने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए बिना नाम लिए ईसाई मिशनरीज को अड़े हाथों लिया। कैसी रही आप? बहुत अद्भुत, बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ जी, बहुत प्यारे लोग हैं। अब हम भी सरदार जी ही लग रहे हैं। बहुत बार बार आते रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे और हलीउल्लाह वालों की ठठरी जरूर बारते। भारी सुरक्षा के बीच गोल्डन टेंपल पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार साहिब में शुक्राना की अरदास की, साथ ही गुरबानी का श्रवण भी किया। उन्होंने सरोवर की परिक्रमा की और पवित्र जल ग्रहण किया। पावन स्थल है, गुरु साहब के दर्शन किए और अमृत सरोवर के दर्शन किए और कष्टभंजनी वेरी जो है वहाँ पे भी गए। सर्वत्र दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अद्भुत व्यवस्था है और ये हमारे सनातन, हमारे भारत में सनातन में, यहाँ हमारे पंजाब में सरदार परंपरा में, गुरु परंपरा में अद्भुत परंपरा है। इसीलिए भारत बड़ा अद्भुत है। यहाँ नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यही भारत के चारों दरवाजों के दर्शन किए, खूब अच्छे से आनंद। बता दें कि पठानकोट में 23 अक्टूबर तक बाबा का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जहां बड़ी गिनती में लोग उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर के साथ मशहूर पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू भी नजर आए। और पंजाब दौरे से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा में थे, जहां पर वो एक शाही गरबा कार्यक्रम में शामिल हो गए। बाबा का यहां शायराना अंदाज देखने को मिला और सनातन प्रेमियों पर बाबा ने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से हिंदुत्व पर खुलकर अपनी बात रखी। सब हिंदू वडोदरा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वही अंदाज देखने को मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वडोदरा में बाबा का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लक्ष्मी विलास पैलेस के गरबा कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर सनातन का राग अलापा। सब लोग माथे पर टीका लगाओ, खूब आनंद करो, खूब सनातन का प्रचार करो। इसी के साथ जय हनुमान, जय हिंदू राष्ट्र, जय बागेश्वर धाम। जो राम के नहीं वो किसी, जो राम के नहीं वो किसी। इस दौरान बागेश्वर प्रमुख लोगों के साथ माँ दुर्गा की आरती में शामिल हुए।